Hello students, how are you? I hope you all are fine and welcome to Navnidhi International School online video platform. So dear students, in previous chapter we studied the prose about the tsunami, and here we will start a new chapter, that is chapter 2, poem geography lesson. Okay, we will study the poem geography lesson, and this is written by Zulfikar Ghosh. Okay, this is written by Zulfikar Ghosh. Ab geography lesson means aapko pata hoga, geography to aap padhte hoge, earth ke bare mein, geo means earth, graphy means discussion, yani the discussion about earth is called a geography. So now here we will study about the geography lesson. Can you imagine what your city would look like if you saw it from the 10,000 feet above the ground? Kya aap kabhi imagine kar sakte hain, kabhi imagine kiye ho, kabhi soche ho ki agar di aap 10,000 feet away, यानी 10,000 फीट अबव ऊपर अगर दी आप जाओगे और जाकर आप अगर दी अर्थ को देखोगे, नीचे देखोगे या आपकी शहर को देखोगे तो कैसा लगेगा? आप कभी इमेजिन किए हो? ठीक है, नीटली प्लान, पूरी तरह से प्लान बना गया एंड परफेक्ट इन परफेक्शन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्री डिजाइन, जैसे कि लगेगा कि हम एक ज्योमेट्री डिजाइन बनाए हैं. अगर यदि आप 10,000 फीट में जाओगे और देखोगे तो आपको बुरा लगेगा कि ये प्लान बनाकर एक ज्योग्राफी ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाया हूँ. ठीक है, इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट. ओके, इट टू स्ट्राइक यू, आप अगर ऊपर जाओगे 10,000 दिखोगे तो आप लगेगा एक प्लान बनाया हो, एक ज्योग्राफी डिजाइन बनाया हो. ठीक है, मैंने ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाया हो. ठीक है, और यह आपको बहुत स्ट्राइक लगेगा, मतलब शक लगेगा कि ये कंप्लीटली डिफरेंट, समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज, जो एक्चुअली है उसे कंप्लीटली डिफरेंट होगा. इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, और उसके गहराई तक जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कंप्लीटली ये डिफरेंट है. सो हियर इज ए पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ सिटी. ये जो हमारा पोएट है वो जुल्फिकर घोष हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी. वो सिटी की डिस्क्रिप्शन किए रहे हैं, अपनी शहर की जो डिस्क्रिप्शन है उन्होंने बना किए हैं, उसको डिस्क्राइब किए हैं. एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनके दिमाग में आया है, और इस चैप्टर पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन का क्लियर हो जाएगा. ठीक है, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हार्ट. ओके, सीइंग इट स्केल लाइक इंचेस टू द माइल देयर सीम्ड ए इनविटेबिलिटी about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. Okay, when the jet sprang into the sky, sprang matlab aapko take off bolte hai na, yani udna. When the jet take off into the sky, yani sprang into the sky, jab aasman mein aise udega, samajh nahi, इट वॉज क्लियर, जब उड़ा, समझ नहीं, जब वो टुक ऑफ लिया, टुक ऑफ यानी जब हमारा जो जेट है वो आसमान में जब उड़ा तब क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि हमारा जो सिटी है इतना डेवलप्ड क्यों हुआ है. ओके, उन्होंने बोल रहे हैं या मैं जो जुल्फिकर घोष ने बता रहे हैं कि जब उनका जेट उड़ा, आसमान में उड़ा, तब उनको पता चला कि उनका शहर कित इतना डेवलप्ड क्यों हुआ है. ठीक है, सिंग इट स्केल 6 inches टू माइल, सिंग इट स्केल, स्केल बनाते हैं ना, तो उसकी स्केल
Kodekar, the 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. Inevitability means that cannot be avoided. जिसको हम avoid नहीं कर सकते हैं उसको inevitability बोलते हैं. ऐसा लगा कि एक inevitability है. About what on ground had looked haphazard. Okay, जिसमें बिना plan में ऐसे बनाए हो ऐसा लगा, समझे कि नहीं. On the ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. Okay, जैसे पूरा unplanned, without style, बिना style में, unplanned में ये पूरी तरह से बनाया है, जैसे कि ऐसा लगा. When the jet sprang into the sky, यानी जब jet जो है उड़ा, ठीक है. Next, when the jet reached 10,000 feet, और उड़ते-उड़ते जब वो 10,000 feet में ऊंचाई में चला गया, तब क्या हुआ? It was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. वो बोल रहे कि जब jet 10,000 feet ऊपर में गया, तब पूरी तरह से clear हो गया कि जो country है, जो cities होती है, वो river जहाँ जहाँ पे गया है, वो country के cities वहाँ ही क्यों बैठा है, ठीक है? वो पूरी तरह से पता चल गया. Why the valleys were populated? और उसके बाद ये भी पता चला कि जो valley होते हैं, valley का means क्या होती है? जो आपको पहाड़ होते हैं और उसके नीचे का side जो होते हैं, वो इतना populated क्यों होते हैं? वहाँ पे लोग क्यों ज़्यादा रहते हैं? वो भी उनको पता चल गया, ठीक है? The logic of geography, मतलब यहाँ पे क्यों ऐसा होता है कि geography का logic ये बताता है कि that land and water attracted men, क्योंकि जो land होती है, जो जमीन होती है और जो पानी होती है, ये दोनों चीज़ लोगों को attract करता है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि आपको river में पानी side होती है, आप देखो भी जितने भी सारे river होती है ना, नदियाँ होती है ना, उसके side में आपको बड़े-बड़े शहर देखने को मिलेगा. कोई भी बड़े शहर देख लो, आपको नदी के किनारे जरूर होगा, ठीक है? चाहे देखो आपको कोलकाता, कोलकाता की पूरी शहर के पूरा चारों तरफ आपको हुगली रिवर दिखाई देगा. जैसे आपको चले जाओ कि इलाहाबाद हो, जैसे आपको दिल्ली हो, सूरत, इंपैक्ट आप सूरत में देखोगे, सूरत में भी आपका तापी रिवर के साइड में सूरत शहर बैठा हुआ है. यानी हर कोई डेवलप्ड शहर जो सिटी होती है वो किसी ना किसी रिवर के साइड में, यानी रिवर बैंक में होता है, ठीक है? और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा जो ज्योग्राफी लॉजिक बताता है कि जो लैंड होती है और जो वाटर होती है, वो दोनों मैन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? और इट वाज क्लियरली डेलिनेटेड, डिलाइनेटेड, डेलिनेटेड मींस क्या होते हैं? शोन, दिखता है. और ये पूरी तरह से दिखता है जब हम 10,000 फीट ऊपर जाकर अगर दिखेंगे तो हमें ये पूरी तरह से पता चल जाता है कि ये जो लैंड एंड वाटर, ये दोनों हैं, ये दोनों मैन को अट्रैक्टेड करता है, ठीक है? When the jet rose 6 miles high, और जब jet 6 mile high तक जाता है, it was clear the earth was round, यानी पूरा ऊपर चले जाओगे तो वहाँ पे हमें ये clearly पता चल जाता है कि जो earth होती है वो पूरी तरह से round है. And that it had more sea than land, और ये भी हमें ये पता चल जाता है जो वहाँ पे जो समंदर होती है ना, land से ज़्यादा होती है, जमीन से ज़्यादा पानी होती है, ठीक है? And but it was difficult to understand, लेकिन ये बहुत ही difficult होती है समझने में, ठीक है? कि ये सब तो पता चल गया कि क्यों actually earth round होता है. जब आप ऊपर जाओगे तो आप देखोगे तो पता चलेगा earth पूरी तरह से round लगेगा. And that it had more sea than land, और ये भी आप पता चलेगा कि चारों तरफ आपको पानी होगा और land कम होगा, ठीक है? But it was difficult to understand, लेकिन ये समझने में बहुत difficult होता है कि that the man on the earth found causes to hate each other,
उसने बताया कि जब मैंने इतने ऊपर गया तो वहाँ पे मुझे ये पता नहीं चला कि एक्चुअली जो ये धरती यानी लैंड में जो लोग रहते हैं वो इतना अपने आप को एक दूसरे को इतना नफरत क्यों करते हैं, समझेंगे नहीं, ये मुझे पता नहीं चला। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज एंड टू किल फ्रॉम द हाइट, फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर व्हाई, क्योंकि सिटी के अंदर बड़े बड़े दीवार जो होते हैं ना वो खड़ा कर देते हैं, समझेंगे नहीं, नफरत पैदा कर देते हैं। ओके, ये सब मारने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, और ये सारे चीज़ें क्यों करते हैं मैं ऊपर जाकर जब देखा तो वहाँ से पता नहीं चला, मुझे समझने में बहुत मुश्किल हुआ, ठीक है, कि ये लोग अपने आप को इतना नफरत क्यों करते हैं और अपने आप के बीच में इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों पैदा करते हैं, समझेंगे नहीं, बड़े बड़े दीवार खड़ा करते क्या मतलब क्या होते शहर में, जैसे बेस्ड ऑन कास्ट, समझे, डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन कास्ट, डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन कलर, डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन रिच एंड पुअर, ये सब भेदभाव जो होती हैं वो क्यों होती हैं वो ऊपर जाकर पता नहीं चला। इट वॉज नॉट क्लियर व्हाई, मतलब क्यों हुआ है ये क्लियर नहीं हुआ। सो स्टूडेंट्स, आई वुड यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर क्लियरली एंड परफेक्टली, ओके। एंड कुछ ऐसे वर्ड है जैसे डेलिनेटेड, मतलब सोन बोलते हैं, हैपजर्ड मीन्स विदाउट प्लान और वर्डर बोलते हैं, एंड इनविटेबल मतलब दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो कि हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, ओके। टिल देन रीड द चैप्टर अगेन एंड अगेन, वी विल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पीरियड, ओके।